सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे एंड सेफ होंगे। सो गाइज, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं हमारे कार सेलर वाले गेम के अंदर। खैर, तुम लोगों को लास्ट टाइम में पता ही, हमने काफ़ी सारी कार्स बेची थी एंड मैं सही बताऊँ तो काफ़ी दिनों बाद ये गेम खेल रहा हूँ, तो मेरे को इतना आइडिया भी नहीं है कि क्या कुछ है मेरे पास और क्या कुछ नहीं है। सो वैसे मुझे लग रहा है यार नाइट हो गई है। वैसे लग क्या रहा है मुझे, ऐसा फील क्यों हो रहा है कि नाइट नहीं हुई है, मतलब ये बारिश जैसा मौसम हो रहा है। तो लेट्स गो यार, अभी हम लोग चलते हैं हमारे ऑफिस में एंड देखते हैं यार, कोई ना कोई कार तो होगी ही कंटेनर पे। अभी हम लोग हैं ही ऑफिस में, गैस स्टेशन के पास ही अपना ऑफिस है। सो भाई, टिकट प्राइस $20 कर दिए तो ठीक है। सो ओके गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ अपने शोरूम के पास, मतलब जो भी कार वॉश वगैरह जो करते हैं वहाँ पर मैं आ चुका हूँ एंड मुझे लगता है ना कि ऑफिस ही ऑफ हो चुका है। एंड लास्ट टाइम पर मैंने कौन कौन सी कार बाई करी थी, खैर ये रही अपनी कार्स। एक तो ये है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली शायद से कार है, तो लेट्स से एक बार हम लोग उसको चेक करते हैं कि क्या कुछ है इस कार के अंदर। मुझे लगता है रिपेयर तो कर दिए होंगे। दूसरी है अपनी सुप्रा, बट भाई इन दोनों कारों में ना काफ़ी ज़्यादा डेंट्स वगैरह है। सो अभी फ़िलहाल ना मतलब नाइट हो चुकी है तो मैं ना गलती आ गया ऑफिस में, तो लेट्स गो। चलो यार फटाफट हम लोग वापस से चलते हैं हमारे कंटेनर पे एंड नेक्स्ट डे आके ही हम लोग पता करेंगे कि भाई हमारी कार में क्या कुछ खर्चा है और क्या कुछ होगा। तो लेट्स गो, फटाफट हम लोग चलते हैं। तो ओके गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ अपने ऑफिस में, मतलब ऑफिस में नहीं, मतलब हमारे गैरेज के अंदर जहाँ पे हमारी कार्स वगैरह खड़ी है। एंड अभी मेरे को ना अंदर चलना है, तो लेट्स गो, अभी हम लोग बाहर निकलते हैं कार से एंड चल के देखते हैं वहाँ पे कि हमारी कार्स के अंदर क्या कुछ रिपेयरिंग होगी, क्योंकि कल तो हम लोग लेट हो गए थे और अब से ना मैं कार लेके ही ट्रैवल करूँगा। सो ओके, इसको अपग्रेड वगैरह $60 का इसमें खर्चा है। वैसे ना अभी मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा मतलब इस बार ना अमाउंट बढ़ा दिया है, मतलब हम लोग जो ट्रैवल करते हैं ना वो भाई इसके अंदर $1000 का खर्चा है। तो ठीक है यार, करते हैं फटाफट इसको भी अपग्रेड। ओके गाइज, अभी ना हमने हमारी सुप्रा को रिपेयरिंग पर लगा दिया है एंड साथ में जो हमारी ये कार है, आई थिंक मुझे लग रहा है ये रिपेयर हो चुकी है। सो लेट्स गो, ये वाली कार हमारी रिपेयर हो चुकी है एंड अभी हम लोग इसके अंदर बैठते हैं। मतलब वैसे ये कार पहले ही रिपेयर हो चुकी थी बट मेरी गलती से मतलब दिक्कत हो गई थी। और अभी तुम लोग इसका साउंड देखो भाई, इसमें साउंड है ही नहीं, देखो कि क्या मतलब इसमें बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है भाई, बट महंगी बहुत पड़ी थी हमें। तो लेट्स गो, अभी हम लोग इसके अंदर थोड़ा चलते हैं एंड कुछ, वैसे मैंने सब कुछ करवा लिया था इसके अंदर, हमें वॉश करवाना है क्योंकि इस गाड़ी का ना मैंने कलर पेंट सब कुछ, वैसे यार मुझे लगता है मुझे पेंट करवाना चाहिए। तो लेट्स गो यार, ओए होए, यहाँ पे मैंने पार्क कर दी है अपनी कार एंड अभी हम लोग बाहर निकलने वाले हैं। तो लेट्स गो यार, भैया पेंट कर दो यार इसको, मतलब बढ़िया दिखनी चाहिए कार। वैसे ना कुछ कार यार, इसका कलर मेरे को उतना मस्त लग नहीं रहा उतना, तो ओके डार्क में रखते हैं। तो मैंने जहाँ तक कि मेरे को याद है, मैंने लास्ट टाइम पर इस पर ना हमने भगवा रंग करवाया था, तो कैसा लग रहा है गाइस वैसे तुम लोग बताओ मेरे को। ये भाई टेस्ला, ओके आई थिंक ये वाला काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ठीक है, मतलब आई थिंक बेस्ट लग रहा है यार। ओके गाइज, अभी मैंने अपनी गाड़ी को कलर करवा दिया है एंड ठीक है, अभी हम लोग बैठने वाले हैं एंड अभी इसको मैं वॉशिंग, मतलब जो अपना शोरूम है, मतलब जहाँ पे गाड़ी को हम लोग धुलाएंगे थोड़ा, तो वहीं पर लेके चलते हैं एंड मेरे को ना अभी इस गेम के अंदर। अरे क्या बात है यार, ये भी ड्रिफ्ट मारती है भाई। मैं इस गाड़ी को बिल्कुल नुकसान नहीं होने दूंगा क्योंकि मैंने पिछली बार भी इसमें घाटा खाया है, बिल्कुल रिपेयर होने के बाद ही मैंने गाड़ी ले जाके ठोक दी थी। और मुझे आज दोनों कार रिपेयर चाहिए, जब तक ये कार मेरे को वॉश होती है तब तक मैं सुप्रा जाऊंगा। इसको ऑफ़ करते हैं, ये कितने रुपये लेगा यार इसका मेरे को पता। तो ओके, अभी हमने इसको $50 इसको पे कर दिया है, जब तक हम लोग आएंगे तब तक ये कार बिल्कुल वॉश करके रखेगा हमारे लिए। तो अभी हम लोग भाग के चलते हैं फटाफट हमारे गैरेज के अंदर एंड देखते हैं यार क्या कुछ होगा, मतलब उसने कार रिपेयर कर दी होगी तो। और मुझे लग रहा है कि जो हमारी जो कार है, मतलब जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, इसको भी यार रिपेयर करवा देता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ना डेंट्स वगैरह आ रखे हैं। चलो इसको अभी हम लोग देखते हैं क्या कुछ मैंने खर्चा किया है, बता देगा भाई। मैंने ठोका तो बहुत है इस गाड़ी को, इतना तो मैं कंफर्म हो रहा। हमारी सुप्रा भी रेडी हो चुकी है भाई, किधर जा रहे हैं, मतलब इनका कोई लिफ्ट का कुछ मतलब ही नहीं है भाई। ठीक है, अभी हम लोग निकलते हैं, मैकेनिक से करते हैं बात। ठीक है यार, करवाते हैं इसको रिपेयर और अभी फटाफट हम लोग बैठते हैं सुप्रा में। भाई सुप्रा रेडी कर देना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके ठीक है, तो इसके अंदर अभी मेरे को ना काफ़ी सारा काम करवाना है क्योंकि सुप्रा को मैं काफ़ी ज़्यादा महंगी बेचने वाला हूँ, लिटरली मतलब मैं पूरा मुनाफा निकालूंगा इससे। तो मैं देखा पहले कि हमारी गाड़ी के अंदर ना काफ़ी सारे डेंट्स दिख रहे हैं, बट अभी कुछ है नहीं भाई। मुझे ऐसा क्यों लगा कि हटा रहे इसको भाई, सस्ती वस्ती गाड़ी क्या है यार। ठीक है, जब तक मैं पेंट करवा लेता हूँ इसे, जब तक एक दूसरी कार इसे यहाँ पर सर्विस हो रही है तब तक मैं पेंट करवा लेता हूँ। तो लेट्स गो, अभी हम लोग इसको बंद करते हैं, चलते हैं यहाँ पर, हम लोग कलर सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा पेंट हम लोग करवाएं इसके ऊपर।
ऐसे खास लग नहीं रहा है, बट मेरे को ये कलर थोड़ा करना पड़ेगा। रूफ़ वगैरह पे, रूफ़ वगैरह पे नहीं हो रहा क्या? पॉलिश वगैरह मेटेलिक में रख दो यार। भाई ये क्या लग रहा है। ठीक है यार, स्मूथ वगैरह मुझे नहीं चाहिए वैसे, बट मेटेलिक काफ़ी। छोड़ो यार, हमें वो सब कुछ नहीं करवाएंगे, पहले हम लोग कलर दिखते हैं। तो आई थिंक मुझे ना येलो कलर काफ़ी पसंद आता है, मतलब येलो कलर की कार चमकती ही अलग एक। तो लेट्स सी, वैसे सुपरा तो यार येलो में लगती भी कतई चेहरे है। ओके मैं सेलेक्ट, आई थिंक ठीक है यार, मस्त लग रही है। सो अभी मेरे को ना गैरेज में जाना है सबसे पहले, तो चलो अभी गैरेज में चलते हैं, फटाफट गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। कैमरा मैंने सेट किया। ओके भाई पीछे कोई गाड़ी तो नहीं होना जैसे ठुक जाएगी। वैसे यार काफ़ी बढ़िया लगती है मेरे को सुपरा, मतलब मेरे को जैसा भी को लगती है। चलो अभी ऐसा ना बोले कि भाई गाड़ी ढंग से पार्क करनी, साले के लात मारूंगा। ठीक है, इसमें सब कुछ डलवा देते हैं सब कुछ। तो ओके गाइस, फाइनली मैंने इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर दिया है, एंड हमारी कार कुछ इस टाइप की दिख रही है, इसके टायर्स वगैरह। फिर मैंने पता नहीं मैंने सही किया है कि नहीं किया है, बट ठीक है मैंने कर दिया है। बल्कि भाई इस कार से ना मैं मतलब कम से कम इसको 20 से 25 लाख रुपये, 20 से 25 लाख ज़्यादा हो गया मैं कम से कम ना इसमें लगभग, जहाँ तक मेरा आइडिया है भाई, वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है। तुम लोग देख रहे हो उसको लिटरली, इसमें थोड़ी मैंने कुछ ज़्यादा। अभी इसको हम लोग भगाए नहीं, एक बार हम लोग इसकी करवा लें धुलाई वगैरह करवा लेते हैं, तो तब तक ना मैं इस गाड़ी को पार्क करके आ जाऊँगा। तो लेट्स गो, फटाफट मैं ना इस गाड़ी को पार्क करवाता हूँ, एंड अपनी सुपरा को भी थोड़ा ना वॉश करवाते हैं हम लोग। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ सुपरा लेने, एंड ये देखो तुम लोग ड्रिफ्ट, अभी मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, मेरे यहाँ पर ठुक जाएगी। और इसी के साथ नाइट भी हो गई है, तो अभी देखो मतलब मैंने ड्रिफ्ट मार के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे किट्स वगैरह एड किए। तो मैं देख रहा हूँ बॉडी वाइज कंट्रोल नहीं है, मैं इसको राउंडली घुमाने वाला हूँ। भाई ड्रिफ्ट है भाई, बिल्कुल स्मूथली ड्रिफ्ट मार रही है, मैं इस गाड़ी में बिल्कुल भी निकल नहीं सकता मतलब। ओके गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ हमारी सुपर लेवल के ड्रिफ्ट के लिए, अभी मैं चेक करने वाला भाई क्या ही ड्रिफ्ट मारती है भाई, क्या मस्त ड्रिफ्ट है लिटरली, मतलब ये गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है भाई, आउट ऑफ कंट्रोल। मैं बिल्कुल सही काम कर रही हूँ, गाड़ी के कंट्रोल्स भाई लिटरली ये भाई राउंड ड्रिफ्ट मारने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल घुमा दूँ गाड़ी को, तो घूम नहीं रही है यार। ओके चलो अभी मैं भगा के ना इसके हैंड ब्रेक खींचने वाला हूँ, मतलब तो बिल्कुल स्मूथली इसकी टॉप स्पीड में मिल जाएंगे, बट मैं भगाऊंगा ऐसी जगह भाई जहाँ पर हमारी गाड़ी कहीं धीरे धीरे मार जाए, अगर थोड़ा सा बिल्कुल मारे तो कंट्रोल तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है, क्या बात है। तो लेट्स गो गाइस, अभी हमारा हो चुका है डे 2, हमारा घर करते हैं बंद। और ये रही भाई रात को हमने सुपरा को बहुत भगाया भाई, लिटरली इतना भगाया मैं क्या ही बोलूँ, अबे बाहर नहीं निकलना। ओके तो चलो अभी हम सुपरा को लेने जाने वाले हैं हमारे शोरूम में, और सबसे पहले इसको सेल में करने वाला हूँ। ये देख रहे हो ड्रिफ्ट, देख रहे हो मैंने कुछ स्पीड भी नहीं थी गाड़ी की, हल्की सी हल्लू सी स्पीड थी, उसमें ड्रिफ्ट मार रही है भाई। ये देख रहे हो पीछे, इसको थोड़ा सा भी डैमेज हुआ ना, सही बता रहा हूँ, पूरा का पूरा सर्विस सेंटर पे लेकर जाना पड़ेगा। अभी करता हूँ मैं ऑफ, मैंने भाई इसका, मुझे लग रहा है इसका फ्यूल मैं बहुत खा गया हूँ, गाड़ी बिल्कुल खाली होने वाली है। अगर ये खाली हो जाती है ना, मेरे को नहीं पता मैं फ्यूल कहाँ से भरवाता है इसमें, बल्कि फ्यूल तो भर जाता है वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उठा ले रे। ओके चलो यहाँ से पहले सफाई करते हैं फटाफट हमारे ऑफिस की। एंड गाइस एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो एंड ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो, तो प्लीज़ मुझे तुम्हारे सपोर्ट्स की नीड है यार, तो तुम लोग सपोर्ट करो। तो लेट्स गो, अभी हम लोग चलते हैं वेब पे, बट सबसे पहले ना मेरे को ऑफिस को ओपन तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक कार है टेस्रा, ये टेस्ला नहीं है बल्कि टेस्रा है। तो ऑफिस ओपन हो चुका है, एंड जब तक मैं इस कार को लगा देता हूँ, एंड आई थिंक ना इसको भी मेरे को ना $1.5 लाख तक का तो मेरे को करना चाहिए, क्योंकि इतना तो लेंगे ही लेंगे बंदे, और मेरे को ना मेरा अभी तक ऑफिस के बिल्स वगैरह भी पे करने हैं। तो मैंने इसके अंदर 57,000 तक का मैंने खर्चा किया है, तो आई थिंक मेरे को ना इसको 125,000 के अंदर मेरे को इसको सेल करना चाहिए। सो ठीक है लेट्स गो, देखते हैं। और बिल्स वगैरह मैं चेक कर लेता हूँ अपने बिल्स, कोई बाकी है क्या।
ओके, मेरा कोई अभी तक बिल तो कोई बाकी नहीं है। सुप्रा का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है यार, मुझे लग रहा है सुप्रा के ना मेरे को शोरूम की बारिश कर देनी चाहिए। 1 लाख, एंड इसको ना मैं 110 के अंदर बोलता हूँ, 110000 भाई। 1010 मतलब 1,10,000 में ले जा भाई तू, ऑफर करता हूँ। तो ओके गाइज, हमारी 1,10,000 डॉलर के अंदर हमारी सुपरा निकल चुकी है। इट मीन्स गाइज, मैंने कम से कम मैंने इसके अंदर 53,000 डॉलर मैंने इसमें कमाए हैं ओनली फॉर सुपरा में। तुम लोगों ने देखा था 50 में मैंने खरीदी, 7,000 उसके अंदर खर्च किया और भाई 1,10,000 मैंने उसको बेच दी। मतलब 53,000 डॉलर का मुनाफा हुआ है मेरे को लिटरली। और अभी तो ये कार बाकी है यार, अभी बाकी है कार, तो मुझे नहीं पता कस्टमर कब तक आएगा, तो तब तक मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। एंड मैं डायरेक्ट बस पकड़ के यहाँ से चलता हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी मेटल बेचा है। तो यार पैसा तो है अपने पास, कार मार्केट चलेंगे अभी हम लोग, 20 रुपीज़ मारते हैं फटाफट, मुँह पे फेंक के देंगे। ओके गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ कार मार्केट, और कार मार्केट में मेरे पास 1,58,000 है। वैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कार है, तो एक बार हम लोग इससे बात करते हैं कि ये कितने में सेल कर रही है इसको, क्योंकि हमने कहीं ज़्यादा रेट तो नहीं लगा दिया। इसने 51,000 लगा रखा है। और ये कौन सी गाड़ी है यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बुकाटी है ये, आई थिंक ऑटोमेटिक गियर। कौन सी कार है वैसे, कार का नेम तो बताओ। Y6030 भाई नहीं चाहिए ये कार, बहुत महंगी है हमारी। वैसे महंगी भी है तो हमारे औकात से बाहर भी है। वैसे इधर देखते हैं, ये है एक BMW, लेट्स सी इसको भी हम लोग देखते हैं कितने में बेच रहा है। भाई तुम लोग बावड़े बावड़े हो गए क्या, ये चिरौंज वगैरह थोड़ी है, तो BMW लग रही है, और BMW ही है ये साइड से, मेरे को नहीं पता, तुम लोग कमेंट करके बताना। बाकी ना आज का उतना कुछ खास है नहीं यार, मतलब उतनी कुछ तगड़ी चीज़ है नहीं यहाँ पे जो मैं सोचा था, ये औकात से बाहर, ये अमीरों की है। तो फिलहाल ना मेरे को कस्टमर वेट कर रहा है मेरा ऑफिस में, तो फटाफट ना मेरे को कस्टमर्स को निपटाना चाहिए। तो ओके गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ हमारे ऑफिस बुलिया गेमिंग के अंदर, और हमारा कस्टमर ना वेट कर रहा है। जी बोलिए, कितने में आप लोगी ये कार? एंड ऐसे मेरे को ना पूरा रेट 65,000 डॉलर बता रही है। एक सेकंड तुम रुको, एक सेकंड इसको रोक के रखो, तो वो एक और कस्टमर था, ये कितना बताएगी? देखो तुम दोनों में से जो ज़्यादा बताएगा मैं उसे दे दूँगा। व्हाट्स योर थिंग, चल भाग जाए यहाँ से, तू तो भाग ही जाए यहाँ से। एक और आंटी आई है, रुको यार आप थोड़ा वेट करो, मेरा जो अच्छा ज़्यादा पैसा लगाएगा ना वो निकल ना जाए। 120, टेक ए मिनट, 53 निकल जाओ। अच्छा ओके, ये है, इसने मेरे को कितना बताया था, चलो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। 65,000 बोला था आई थिंक इसने, ओके इसने 65,000 बोला है, तो हम लोग इससे बात करके ना कम से कम 70-80,000 करके देखते हैं एक बार। 80,000 में मान जानी चाहिए यार। टेक ए मिनट भाई, इसने भाई सीधा लगा दिया, तो लो भाई मैं 5,000 और कम करूँगा, इससे ज़्यादा कम नहीं करूँगा। 75,000 के अंदर ले जाओ, लेके जाना है तो। तो ओके गाइज, मैंने ये कार यहाँ पे सेल कर दी है 75,000 पे, और मैंने इस कार से मैंने 70 मतलब मिनिमम जो मैंने इस कार से कमाए हैं वो कमाए मैंने 25,000 डॉलर के लगभग, मतलब 53,050 उसमें मान लो इधर, मतलब टोटल मैंने 75,000 डॉलर मैंने कमाए हैं यहाँ पे। तो लेट्स गो, अभी हम लोग चलने वाले हैं सोने के लिए। वैसे सोने तो नहीं जाने वाला हूँ, मुझे लग रहा है मेरे को नाइबरहुड जाना चाहिए क्योंकि वहाँ से हम लोग कुछ कार लेते हैं। तो लेट्स गो, अभी हमारे पास टाइम है, तो अभी हम लोग कुछ कार खरीदते हैं। गाइस अभी मैं आया था यहाँ पे मार्केट के अंदर सारी गाड़ियाँ देखने, बट मेरे को ना सुपरा चाहिए थी एक या दो, तो अगर मेरे को सुपरा मिलती तो मैं ले जाता, बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि सुपरा मेरे को मिली नहीं है। बाकी और कार्स की मेरे को नॉलेज है नहीं, तो मैं अभी इतना रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं हुआ है, 2 लाख डॉलर्स ही है, बट मेरे को पता है मतलब 2,33,000 के लगभग डॉलर है। तो मैं सोच रहा हूँ अगर एक दो सुपरा और मिल जाएगी तो हम लोग सुपरा को अच्छा खासा बेच के थोड़ा ज़्यादा पैसा होगा, फिर उसके बाद हम लोग और कार्स भी ले लेंगे, रिस्क उनका बेचने का ले लेंगे। बट अभी मैं रिस्क कुछ नहीं लूँगा क्योंकि मतलब तुम समझ रहे हो, मतलब मेरे को इतना आइडिया भी नहीं है, तो हम घाटे में चले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बाकी तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।